गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। ये पहली बार मैं कर रहा हूँ कि मैं वीडियो के साथ भी डाल रहा हूँ इसमें। आप मतलब मैं ये 5 शेयर एंड 300 डेज वाली सीरीज में ही एक नया वीडियो है जो आज मैं दिखाऊंगा कि किन 5 शेयर्स को मैंने चूज किया है। इसमें दो पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है कि आपको मैं 5 शेयर्स दिखा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे ही क्लोज कर सकते हैं, आप उसको बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगा उसके बारे में कि कैसे आप उसको थोड़ा बहुत आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि वो शेयर कैसा अब तक परफॉर्म किया है। देखिए, फ्यूचर नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट आज के टाइम के जो एनालिसिस है, जो आज आप उसका बिहेवियर देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसका फ्यूचर सोच सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, बट वो सब आपके ऊपर रहता है। एक डिस्क्लेमर के रूप में यही कहना चाहूंगा कि पैसा आपका होता है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पैसे का रिस्क लगाना है। शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, या किसी में भी आप पैसा एक्स्ट्रा जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं, आप वही पैसा लगाइए जो अगले 12 महीने तक आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आपको अगले 12 महीने तक का आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और वो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको रिस्क हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कौन से शेयर मैंने चूज किए हैं। आज के मेरे 5 शेयर हैं बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, आइडिया एंड इंडियन होटल। आप इनकी क्वांटिटी देखेंगे तो कम है, ठीक है। बजाज का मैंने 3 ले लिया है, तो जितना पैसा अपने पास रहता है हम उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग मतलब बहुत पैसा नहीं है कि मैं बार बार इन्वेस्ट कर सकूँ, तो डेफिनेटली जितना पैसा है मेरे वॉलेट में रहता है उसको ही मैं रीइन्वेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस या गोदरेज, इंडियन होटल्स, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये काफी अच्छा कर रहा है। इंडियन होटल्स पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, मैं वो उसे करूंगा। विनंदा जो है ये पेनी स्टॉक है जो मैंने जस्ट आज लिया है, और मैंने जैसा आपको एक ही रूल बताया मैंने कि पेनी स्टॉक भी मैं आपको एक बताऊंगा। यहाँ पे आप मेरे जो 5 मेन स्टॉक हैं, ये 4 हैं, एक नहीं ले पाया हूँ, जिसमें मैं रेफरेंस कहूंगा कि आप अतुल का ले सकते हैं। अतुल इज माय 5th स्टॉक विच आई रिकमेंड। अगर आप चाहें तो अतुल ले सकते हैं, बट अतुल के बारे में मैं अभी अतुल लिमिटेड के बारे में एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं इन 4 के बारे में करूंगा। वेरिंदा का थोड़ा सा अपडेट दूंगा। ये पेनी स्टॉक है और इसका एक ही रूल है जो मैंने मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1000 से ऊपर आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको केवल 1000 मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है। यानी अगर जहाँ पे आप देखोगे तो 245 का, तो मैंने 4 स्टॉक ले लिया, अब उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगाऊंगा, या तो वो 1000 मेरा डूब जाएगा या 1000 डबल होकर मुझे पैसा दे देगा, क्योंकि पेनी स्टॉक वैसे ही बिहेव करते हैं, बट ये सब स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म रहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, देखते हैं बजाज फाइनेंस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप जीरोधा में, आप ये मेरा जीरोधा का पोर्टफोलियो, आप जीरोधा में अगर आप अकाउंट है आपका जीरोधा में, इतना कुछ है बताने के लिए, सीखने के लिए, शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इतना ही यूजर, उतना ही जितना सीखने के लिए उतना ही ये यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरे पर्टिकुलर कुछ और रीजन रहते हैं जिसको मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, 1.5 घंटे देने पड़ते हैं और उस पर काम करके मैं फिर उसके बाद इन 5 स्टॉक को चूज करता हूँ। तो ये जो अभी मैं फंडामेंटल बिहेवियर बता रहा हूँ वो मेरा 60% तक का पार्ट है जिसके बेसिस पे मैं इसको चूज करता हूँ। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको बजाज फाइनेंस पे जाना है। सबसे अच्छी बात है कि आपको बजाज फाइनेंस जाना है, यहाँ पे देखिए सी डिटेल्स इन्फो है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप कैसे चूज कर सकते हैं वापस, हो सकता है कि मैं वापस इसको बाय करूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आज के टाइम पे पिछले 1 मंथ ईयर का परफॉर्मेंस देख लो तो आपको समझेगा कि इसने 27% रिटर्न दिया है। बट इसके जगह मैं अगर 5 ईयर्स का देखता हूँ तो 5 ईयर्स में ये 4 टाइम्स हुआ है, 4, 2, 6। यानी अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो वो 4 लाख बन गए होते, जबकि वही चीज पॉसिबल नहीं होती है अदर किसी और ऑप्शंस में। कोई भी ऑप्शन अपने पास नहीं रहता जहां पे हमारा पैसा हो सके। अब मैक्सिमम देख के कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ अभी 1 वीक का आप देख सकते हो कि 1 वीक का माइनस नेगेटिव चला है, तो इसीलिए ये रीजन एक पॉइंट है जिसके कारण बाई करने का अच्छा ऑप्शन है। चलिए 1 वीक में ले गया है तो आप उसको उठा सकते हो। मंथ के में वो 3% है, यानी अब भी आपको 2% का बेनिफिट मिलता है मंथ के एवरेज के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर फोरकास्ट आप देखो इनका, जो इनके एनालिसिस के हिसाब से इनकी टीम है, डेफिनेटली उनकी टीम हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है इसी फील्ड में, तो आप इसमें देखोगे तो 4 मंथ इंट्रिंसिक वैल्यू इन करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यहाँ निगेटिव आ रहा है। ROI वर्सेस FD रेट्स पॉजिटिव है, डिविडेंड रिटर्न्स बहुत कम देता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री पॉइंट गुड इंट्रो पॉइंट है, अगर आप लेना चाहो तो ये ले सकते हो।
और यहाँ पे नो फ्लैग रेड फ्लैग है, तो ये अच्छी पॉइंट्स हैं आपके लिए। आप अगर इसको देखोगे जो एनालिस्ट हैं, नॉट मी बट कई एनालिस्ट हैं जो 61% रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको लेना चाहिए आपको, करेक्ट। फाइनेंशियल पे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, इसके फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट उसको समझने के लिए समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पीस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको पता चलता है कि आप जिस कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कौन कौन कंपनी है, अगर वो सेक्टर तो इससे क्या फर्क पता चलता है आपको, पहली चीज कि उसके कॉम्पिटिशन कौन है, दूसरा वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली छोला मंडला मुथूट एयू स्मॉल फाइनेंस में भी ऑप्शन है कि वो अच्छे रिकमेंडेशन है, यानी आप उसको भी बाई कर सकते हो क्योंकि वो सेक्टर अगर पूरा परफॉर्म कर रहा है तो आपको इससे सेक्टर का अंदाजा भी आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस जाने का, आप जाना चाहो तो आप जाओ, ये आपके ऊपर है, फोरकास्ट है यहाँ पे, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता हूँ, वैल्यूएशन ही देखता हूँ बस मैं मोस्टली। और प्राइस कंपेरिजन आप देखोगे तो बजाज का यहाँ पे ब्लू है और ये तीनों आप देखो तो करीबन सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें छोला फाइनेंस थोड़ा सा डाउन हुआ था लेकिन ओवरऑल इसने काफी करीबन अभी आज के टाइम पे सब अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये अभी जो छोला डाउन था वो अप जा रहा है, तो आपको यहाँ पे भी ये फर्क पड़ता है कि कितना जा रहा है। देखो आप छोला फाइनेंस 33% अप है 5 मई 2021 से लेकर 27 अप्रैल तक, तो ये भी फर्क डालता है कि आप इसको भी देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप होल्डिंग्स देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि होल्डिंग्स में कैसे भी है। होल्डिंग्स मीन्स जैसे मैंने इसका स्टॉक ले लिया तो आई एम होल्डिंग स्टॉक, प्लस इसके प्रमोटर, अब कंपनी ओनर भी तो है ना, कंपनी ने बनाया है तो कंपनी के ओनर्स भी है, प्रमोटर्स भी है, तो उनकी होल्डिंग्स कितनी है। अगर हम मार्च 2022 का एनालिसिस देखेंगे तो 20 प्रमोटर होल्डिंग है 55.86। म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स रहते हैं, जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो, SBI ले रहे हो, ICICI म्यूचुअल फंड ले रहे हो, इसमें भी ग्रोथ, तो वो लोग इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिखाता है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.15, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 20। मैं जो बेसिक चीजें देखता हूँ वो यहाँ पे ही देख लेता हूँ कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग का कैसा चल रहा है। आप देखो अगर इनका प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 1% का ही गिराव हुआ है यहाँ पे, ये 1% तक नीचे गए हैं, राइट, 1% नीचे गए, यानी प्रमोटर थोड़ा सा कुछ बेचा है, वो किस रीजन से बेचा है इसका नहीं पता, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा नीचे जाता मान लो तो आप समझ जाओ कि कंपनी को खुद पे ही भरोसा नहीं है, उस बंदे को, उस कंपनी के ओनर्स प्रमोटर्स को खुद की कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो सेल ऑफ कर रहे हैं। कई बार सेल ऑफ होता है कि हम बाई बैक करके ये सब चीजें सेल ऑफ होता है कि हम बाकियों को सपोर्ट कर सकें प्राइस गिराने के लिए भी, बट ये कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रमोटर्स ने उतना ही करीबन 50+ होल्ड करके रखा हुआ, यानी मैक्सिमम उन्होंने अपने पास रखा। म्यूचुअल फंड का आपने देखा कि म्यूचुअल फंड का ग्रो ही हो रहा है, राइट, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अदर डोमेस्टिक का ग्रो है, कंटिन्यू ग्रो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन डाउन हुआ है, इसमें कई रीजन है बट ठीक है वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट ये डाउन हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, देखिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो फंड मैनेजर होते हैं या काफी इंस्टीट्यूशन होते हैं, कैसे बोलूं, अभी JP Morgan ही मुझे याद आ रहा है, तो ये लोग जैसे पैसा लगाते हैं, ये लोग अपने पास ये हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, प्लस वो पैसा लगाते हैं कि कहाँ से वो अपने क्लाइंट्स का पैसा बढ़ा सकें, तो यहाँ पे डोमेस्टिक का बढ़ा है बट फॉरेन का घटा है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है। रिटेल में अगर देखेंगे तो ये हम लोग हैं, रिटेल में 11.6 थे और 11.9 नीचे डाउन हुए थे डेफिनेटली सितंबर में, दिसंबर 20 में हम लोग अप थे, वापस डाउन हुए हैं फिर वापस गए, क्योंकि स्टॉक ये डाउन होने का एक रीजन ये है कि इसका प्राइस भी बढ़ा था इस बीच में, सितंबर जून आप देखोगे ना उसका प्राइस तो काफी अप चला गया था। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके स्टॉक जैसे ये 6000 का स्टॉक है तो हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो नहीं कर सकते, तो लोग छोटे लेके जाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस बजाज ग्रुप के लिए और मैंने ये बाई कर लिया है, अगर आप चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं, और सेम पैटर्न में आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा, न्यूज तो इसकी बहुत कुछ है, यहाँ पे ये ज्यादा न्यूज नहीं दिया है, इवेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या है, तो कोई मतलब नहीं है इसका, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं इसको बंद करता हूँ और गोदरेज कंज्यूमर को भी देखता हूँ, ठीक है। अभी गोदरेज कंज्यूमर के फंडामेंटल में जाना है, आपको सी डिटेल्स में जाना है, आप सी डिटेल्स में इनके फोरकास्ट पे देखेंगे, मैं इसके देखिए वन डे का है, मैं वन डे नहीं जाऊंगा, वन वीक का देखूंगा,
1 वीक में इसका रिटर्न -1.54 है और 1 मंथ में इसका 14% अप हुआ है, यानी ये 1-2 दिन में गिरा है। बट अगर मैं 1 साल का एनालिसिस देखूं इसका 11% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स के एनालिसिस में 36%, उतना ज्यादा बजाज के जैसा नहीं है डेफिनेटली, बट हाँ हमारे लिए आज के टाइम पे भी ये प्रॉफिटेबल बन सकता है। इसमें होल्डिंग्स पे मैं जाता हूँ सीधे, पहले यहाँ पे होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक के बहुत कम है लेकिन फॉरेन का बहुत ज्यादा है, राइट। फॉरेन का अगर आप यहाँ पे अभी जाते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग तो सेम है 63%, इन्होंने कंप्लीट अपने पास रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड बढ़ा है, यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पे डोमेस्टिक तो आपको बहुत कम ही दिख रहा था बट ये भी इंक्रीज हुआ है इन कंपेरिजन टू ऑल। फॉरेन का घटा है, फॉरेन का आपको हर में घटा हुआ दिखेगा अभी। और रिटेल इन्वेस्टर का आप देखोगे तो ऑन एवरेज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी ने उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है बट आज के टाइम पे इस वीक में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ले सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को रखना पड़ेगा। पहला जैसे फाइनेंस में था, अब ये रिटेल में है, रिटेल में कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में है। सो आप जा सकते हो। पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीस देख लीजिए एक बार, इसमें कैसा है, सॉरी रियल एस्टेट कह रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट है FMCG में। तो अगर इसका कंपटीशन में आज के टाइम पे गोदरेज, डाबर, मैरिको, प्रोक्टर एंड गैम्बल है, इसमें हिंदुस्तान लिमिटेड नहीं रखा है इन्होंने, अभी देखना पड़ेगा। मैं भी आज इस पे इतना एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ सच्ची में। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हैं कि इसके पीस हैं और इनका भी परफॉर्मेंस आप देख लो एक बार। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन जिसमें गोदरेज कंज्यूमर में रिटेल नहीं आते क्योंकि ये डिविडेंड नहीं दे रहा है, ठीक है। मेरा भी सजेशन रहता है कि आप उन स्टॉक्स में हमेशा पैसा इन्वेस्ट करो जो डिविडेंड दें, क्योंकि क्या होता है कि आपने पैसा शेयर खरीदा, शेयर निगेटिव रहता है लेकिन आपको आपको पैसा आता रहता है। आज ही मुझे किस पैसा आया, ABB लिमिटेड से आया है, काफी आते रहते हैं, मतलब रोज आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड आते रहेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिविडेंड भी देखिए कि डिविडेंड कैसे काम कर रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा। अभी यहाँ पे आप देखो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में तो 2.27%, क्यों नहीं खरीदूं मैं इसको, क्योंकि मुझे 2% का करीबन डिविडेंड ही आता रहेगा इसमें हमेशा, करेक्ट। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है ये स्टॉक। बट यहाँ पे भी आप अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो आप देखोगे तो सब करीबन एक ही सेम है, सब ऊपर जा रहे हैं। तो ये गोदरेज अभी बहुत चीजें कर रहा है तो मेरे को इसमें फ्यूचर दिख रहा है कि मैं विद इन 300 डेज मिनिमम 10% तो बना लूंगा और साल के अंत तक मैं 20% तक इससे कमा सकता हूँ। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन गोदरेज कंज्यूमर भी है। अब आफ्टर दैट अभी हम आते हैं तीसरे पे, आइडिया। देखो मेरा ये फेवरेट स्टॉक है एक्चुअली, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एनालिसिस और वो सब जो भी आप बोल दो, लेकिन क्या होता है ये आइडिया का आपको पैटर्न देखोगे तो जैसे 9.6 है, ये 13 रुपए तक आएगा, 12 रुपए तक आएगा, फिर 8 रुपए 9 रुपए पे आ जाएगा। तो ये आप बार बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खरीद सकते हो, लेकिन ये पेनी स्टॉक है, एक तरह से पेनी स्टॉक में ले सकते हैं आप इसको, लेकिन आप इसको खरीदिए और बेचिए, बस यही कहूंगा कि इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस, गोदरेज आप रख दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आइडिया को आपको हमेशा देखता रहना पड़ेगा। मैं आइडिया पे एनालिसिस पे नहीं जाता हूँ, वो एनालिसिस सेम पैटर्न में आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इंडियन होटल में जाता हूँ फंडामेंटल में, इंडियन होटल का आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है इंडियन होटल्स में। अभी इंडियन होटल्स देखिए, आपको प्राइस चार्ट में 3% इसने दिया है, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पहले से थे तो मैं उनको भी रखा है, प्लस मैंने आज ऐड किया है। अब 1 वीक का रिटर्न आप देखेंगे तो निगेटिव है, करेक्ट। आज बढ़ा है लेकिन 1 वीक में निगेटिव है, रिटर्न 1 महीने का 2% है, 1 ईयर का 100%, यानी 1 साल पहले आपने खरीदा होता 1 लाख का तो आज ये 2 लाख बन चुका था, 5 साल में सेम परफॉर्मेंस है। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो यहाँ 116 था 17 में, बट जनवरी में यहाँ पे जब मार्केट डाउन हुआ था तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी हर किसी के लिए, क्योंकि ये 65 रुपीज का था और 60 का ये आप देख सकते हैं कि मई 20 में ये 60 रुपीज का था और आज के टाइम पे इसकी प्राइस 260 है। तो इसीलिए कई बार होता है कि हमें पैटर्न भी देखना पड़ता है, न्यूज देखना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है। और इंडियन होटल इंडस्ट्री, इंडियन होटल में ताज बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये कंपनी किस वे में काम कर रही है, अब ये मार्केट बढ़ने ही वाला है। देखिए ऑलरेडी 3 साल से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक घर में रह के, एक जगह पे रह के, अब लोग घूमने निकल रहे हैं,
और घूमने निकल रहे हैं तो दिस कंपनी इज ऑलवेज वांट द प्रॉफिट आल्सो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ताज इन द इंडियन होटल बट ऑल द अदर रेस्टोरेंट्स वांट द प्रॉफिट. तो प्राइस इंक्रीज होगा जैसे जैसे इनके कस्टमर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग ट्रेवल करेंगे, लोगों के पैसा फ्लो होगा वैसे ही इनका प्राइस बढ़ने वाला. तो ये गुड स्टॉक है आपके लिए बाई करने के लिए. होल्डिंग्स में हम आते हैं इसके, जो मैं हमेशा मेरा फेवरेट है कि होल्डिंग्स कौन कर रहा है उससे मुझे देखिए. आई एम नॉट एनालिस्ट ऑफ दिस बट ये लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो तो मेरे से बड़े हैं भाई. उन्होंने MBA किया है, सब कुछ किया है, वो उनका पूरा इसी में फुल टाइम जॉब यही है. तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना कॉपी कैट कर लूँ. कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ ना मैं उनको. जो ही थोड़ी ना कि हर चीज़ हमें हर ज्ञान हमें हो, नहीं है ना, हर ज्ञान तो हो नहीं सकता किसी को भी. अब प्रमोटर देखते हैं. प्रमोटर ने यहाँ पे 38% घटाया है और इसका एक रीज़न है कि ताज का वैसा ही काम करने का ढंग है कि वो उसी हिसाब से काम करता है कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे सके. यहाँ पे उसने घटाया है लेकिन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखेंगे तो यहाँ पे इनका बढ़ा है 1%, नॉट ए स्मॉल अमाउंट. फॉरेन का भी बढ़ा है, डोमेस्टिक का भी आप देखोगे तो डोमेस्टिक का सेम पैटर्न है बट 0.01% से बढ़ा है, बट वो उतना मैटर नहीं करता. बट फॉरेन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और सबसे बड़ी बात है कि रिटेल एंड अदर्स, यहाँ पे हम अपना देखेंगे तो हमारा भी घटा बट मुझे यहाँ पे उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा. बट बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुझे ये लग रहा है कि ये होटल और बढ़ेगा और इसके कारण ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा के देगा. डिविडेंड इसमें भी नहीं मिलता है. आप पीस देखना चाहते हैं तो आप इसके पीस देख सकते हैं कि कौन हम किन किन से आप फ़ायदा उठा सकते हो. तो केवल इंडियन होटल कंपनी है जो डिविडेंड थोड़ा सा देती है, बाकी तो कोई और भी देता ही नहीं है. बट शैलेट होटल में मेरा इन्वेस्टमेंट है, EIH में भी है, लेमन ट्री में बहुत कम किया हुआ इन्वेस्टमेंट क्योंकि उतना मुझे नहीं दिख रहा है फ्यूचर, तो मैंने वो नहीं किया. बट ओवरऑल आप देखेंगे तो फोरकास्ट आप देख लेते हैं. फोरकास्ट में 69% लोग इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं एनालिस्ट. सो दे आर द वेल एजुकेटेड पीपल हु आर ऑलरेडी गिविंग यू फोरकास्ट. बट करंटली मेरा रिकमेंडेशन ये 5 स्टॉक हैं, आप ले सकते हो. अब मैं पेनी स्टॉक पे आ जाता हूँ. पेनी स्टॉक मेरा है जो यहाँ पे है, जिसको मैंने जस्ट ले लिया है. मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 1000 रुपये का ले लिया है. आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट करो, नहीं करना तो नहीं करो. फंडामेंटल में आते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी नहीं क्योंकि जस्ट शुरू हुआ है और ये कई बार पैसा बनाने के लिए भी करते हैं लोग. फोरकास्ट कुछ नहीं है इसके बारे में, फाइनेंशियल ज़्यादा है नहीं. पीस क्या देखना आपको पीस में, क्योंकि लर्निंग का है तो पीस है. NIT जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, शांति एजुकेशन है, एपटेक है. तो आप देखोगे तो NIT एपटेक इज फार बेटर ऑप्शन देन दिस. बट एक रिस्क हुआ के हिसाब से मैंने जस्ट ले लिया है और थोड़ी बहुत अपनी एनालिसिस है जिसके हिसाब से मैंने इसको लिया हुआ है. अभी देखते हैं कि ये मुझे कितना दे पाता नहीं दे पाता है, वो डिपेंड करेगा. बट ये स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक है कि आप अगर 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. बस इतना ही है आज के टाइम पे. आज के लिए इतने हैं मेरे पास. ये 4 स्टॉक हैं और ये 5वां वृंदा आपके ऊपर चॉइस है. बट ये 4th मेरे फर्स्ट हैं जो आप ले सकते हो फॉर द मिनिमम 20% रिटर्न के लिए साल भर में. और हमने पेज से ये, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो. और आप अगर साइट पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सपोर्ट टू अ थैंक यू वेरी मच. आप सबका दिन शुभ हो.